सबसे पहले सरकार अगर अपने खर्चे कम करे, अपने विधायक मंत्री जो जनता के पैसे पर पल रहे हैं, जिनकी कार में पेट्रोल, जिनके मोबाइल के फोन जनता के पैसे चलते हैं, सरकार अगर अपने चुने हुए प्रतिनिधियों, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, इनके खर्चों में कटौती करे, उसके बाद जनता से कोई मांग करे या जनता पर कोई बोझ डाले, तो हम सरकार को अच्छी मान सकते हैं, अच्छी पॉलिसी मान सकते हैं। इस 40 दिन में बॉम्बे एक स्टेशन पे कई हजार लोगों का एक साथ निकलना, अब लॉकडाउन ढील देते ही शराब के ठेकों पर लाइन लगना, सभी स्थानों पर लोगों का सेल्फ डिस्टेंस का नियम पालन नहीं करना, सब क्या संकेत है ये? सरकार की बिना रणनीति के घोषणा या इसका इतना दहशत फैलाना, जन जन में कुछ लोग तो दहशत में आज भी घरों से नहीं निकलते, कुछ लोग जान को जोखिम में डालकर मजबूरी में कहें, दहशत में कहें, लॉकडाउन के सभी नियमों की धज्जी उड़ाते हैं। अभी मनोज त्यागी जी इस विषय पर अपने विचार। शर्मा जी धन्यवाद। जहां तक लॉकडाउन करने की बात है, वहीं आज जो परिस्थिति देखने को मिल रही है वो इतनी खराब है कि जहां पर हमें कोरोना के केस बिल्कुल शून्य हो गए थे, जैसे ही लॉकडाउन खुला, प्रतिदिन कोई भी शहर आज ऐसा अछूता नहीं है जहां पर कोरोना के केसेस नहीं निकल रहे। रही बात व्यवस्था की, तो व्यवस्था तो चरमराई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां पर मजदूरों का पलायन की बात करें तो कोई शहर या कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पर मजदूरों के साथ दिक्कतें नहीं आए, उनको हम व्यवस्थित करने में विफल रहे हैं, भले ही हमने कितनी भी व्यवस्थाएं की हैं, ऐसा देखने को मिला। और जहां तक आज का सिनेरियो है, आज प्रेजेंट में जो शराब के ठेके खोले, एक तरफ कहा जाए कि सरकार का जो आर्थिक पोजीशन है उसको ठीक करने के लिए शराब के ठेके खोल दिए गए, अलग अलग फैक्ट्री जा चला दी गई है, लेकिन धरातल पर अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो मैंने ऐसे उदाहरण भी देखे हैं कि महिलाएं जो घरों में काम करती हैं, वो जिस घर में काम करती है उन्होंने उनको महिला को सैलरी दे दी, लेकिन वो गरीब महिला आज मैंने रोती और बिलखती देखी कि सरकार ने हमें खाना नहीं दे पाई, कोई बात नहीं, लेकिन आज जो ये ठेके खोले हैं, आज से हमारी त्रासदी शुरू हो गई, क्योंकि पूरा एक महीना हमारा मर्द बिना शराब पिए घर में बच्चों के साथ रहा, उसे क्योंकि शराब नहीं मिली, हमारे घर में पैसे भी नहीं थे तब भी हम आराम से चले, जो भी हमें खाने को मिला हमने खाया बड़े प्यार मोहब्बत के साथ, लेकिन आज जो शराब के ठेके खुले हैं कल से हमारे साथ मारपीट भी शुरू हो जाएगी, और जो पैसे आज हमें मेहनत मजदूरी के मिल भी रहे हैं ये भी हमारे शराब में जाने वाले। तो एक ये जो निर्णय अभी शराब खोलने का लिया, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि आज सारे मंदिर मस्जिद हर धार्मिक स्थान बंद है, लेकिन सरकार ने ठेके को जरूर खोल दिया है, और जितनी लोगों को खाना नहीं मिल रहा था वो लोग, अधिकतर लोग आज शराब की लाइनों में खड़े हुए, शराब के ठेकों पर लाइनों में खड़े हुए दिखते हैं। मेरा मानना है कि अभी सरकार को 17 तारीख तक लॉकडाउन को बिल्कुल नहीं खोलना चाहिए था, तृतीय चरण जो है वो अभी और जरूरत थी कि लॉकडाउन में बंदी रहे, ये व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। सेल्फ डिस्टेंस, लॉकडाउन, दोनों का अर्थ शराब के ठेकों ने बर्बाद कर दिया। 40 दिन तक लोग अपने घरों में बंद रहे, कैद रहे, इसीलिए कि महामारी ना फैले, उनके परिवार का कोई जन इसमें उसका भी नुकसान ना हो, सरकार के एक फैसले ने, शराब खोलने के फैसले ने सभी को एक निराशा और ये आर्थिक विपदा सोचकर अगर ठेके खोले गए हैं तो ये बहुत ही निंदनीय, एक बहुत बड़ा गलत कदम है। एक तरफ आप बोलते हो कि 40 दिन तक घर में बंद रहना है, फिर उसके बाद एकदम से इस तरीके से सारे के सारे नियम तोड़ना, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। अब जमशेर राणा जी हैं, बहुत ही विश्व पत्रकार हैं,
दो शब्द इस स्थिति पर जनशेर दामन जी। शराब के ठेके दो जब लॉकडाउन होने के बाद भी खुल रहे थे तभी ठेकों पे लाइन लगी थी, और अब जब लॉकडाउन चल रहा था अब शराब के ठेकों को लेकर कई दिन से चर्चा थी। लोग ये कहते नहीं खुलेंगे, नहीं कोई कह रहा खुलेंगे। अब सरकार ने ये फैसला कर लिया तो कम से कम इन पे लाइन की कोई व्यवस्था करे और ठेके को चलाने के लिए कोई पुलिस का वहाँ नहीं है कि और ठेके पे खड़ा हो सकता, कोई सरकार की जिम्मेवारी बनती है। वहाँ बीमारी फैलने का बहुत ज़्यादा डर है। बहुत अच्छा जी, शराब खोलना सरकार की मजबूरी हो सकती है लेकिन उस मजबूरी को सेल्फ डिस्टेंस का पालन करते हुए अगर खोला जाए पुलिस की या किसी सख्त। अब चर्चा करते हैं 40 दिन के लॉकडाउन में किस किस वर्ग को क्या क्या नुकसान हुए और किस किस को क्या क्या झेलना पड़ा। ठीक है, सरकार ने जनता के हित के लिए महामारी ना फैले कंट्रोल करने के लिए एक सख्त कदम उठाया। सरकार सबकी हर चीज के लिए जिम्मेवार है। कुछ गलतियां हुई हैं, मजदूरों का प्लान, मजदूर अपने घरों से अपना पेट पालने के लिए प्रदेशों में आए हुए थे, यहाँ पर उनको खाने की व्यवस्था नहीं मिली, वहाँ पर उनके परिवारों को खाने की व्यवस्था नहीं मिली, वो विचलित हो गए, उन्होंने जबरदस्ती अपने घर जाने का प्रयास किया, सेल्फ डिस्टेंस भी उल्लंघन हुआ। अब एक और नई समस्या पैदा हो रही है, जो मजदूर दिहाड़ी हर लोग आए हुए थे उनके कारण अब काम नहीं हो पा रहे हैं। एक मेरा किसान भाई मित्र है, उसके पास 72 एकड़ जमीन है, वो धान का रोपण करना चाहता था और मजदूर ना होने से सारे मजदूर क्लाइम कर गए हैं, उसके धान की एकड़ धान नहीं रोप पाया। इसी तरह बहुत सारे मजदूर ना होने के कारण आज काम वैसे भी रुके हुए हैं। अगर सरकार इन समस्याओं पर गंभीरता से विचार करे और किसी ठीक रास्ते या ठीक तकनीक का उपयोग करे तो मजदूरों को उनका खाना पीना मिले, उनके परिवारों को वहाँ जहाँ है वहाँ सुरक्षित की गारंटी मिले, रोजगार ना हो, खेती बाड़ी का नुकसान ना हो। अब इस लॉकडाउन को बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। जान है तो जहान है, ये भी सत्य है, लेकिन इसका एक तरीके से काम हो तो बहुत अच्छा रहेगा। मनोज ठाकुर जी, आप भी अपने विचार। सर, मुद्दा एक आता है कि हम एक लोक कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं, डेमोक्रेसी में लोक कल्याणकारी राज्य सबसे बड़ी चीज है, सबसे अहम चीज है। कोरोना महामारी में कहीं भी न सेंटर की तरफ से न स्टेट की तरफ से ऐसा कुछ नजर आया कि सरकार लोक कल्याणकारी राज्य की तरफ चल रही है या सामाजिक सुरक्षा की तरफ चल रही है। मेरी सामाजिक सुरक्षा क्या? कुछ भी नहीं। मजदूर की सामाजिक सुरक्षा नहीं है, इंडस्ट्रियलिस्ट की सामाजिक सुरक्षा नहीं है, किसान की सामाजिक सुरक्षा नहीं है, किसी किस किस वर्ग की तरफ इन लोगों ने ध्यान दिया। सरकार हरियाणा गवर्नमेंट का पूरा ध्यान इस बात की तरफ रहा कि कैसे लोगों से दान मांगा जाए, कैसे अपना खजाना भरा जाए। क्या इस सरकार के पास एक अभी खर्च चलाने के लिए पैसा नहीं है? और अगर नहीं है तो खट्टर साहब को जवाब देना चाहिए कि आप हरियाणा को आत्मनिर्भर करने की बात करते हैं, आप हरियाणा के बजट को बहुत बढ़िया बनाने की बात करते हैं, और आपकी स्थिति यह है कि एक महीने डेढ़ महीने के लॉकडाउन में ही आपकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि आप अपने कर्मचारियों को सैलरी भी नहीं दे पाएंगे, और पैसा उठाने के लिए आप ना सिर्फ शराब की दुकानें खोल रहे हो बल्कि ऐसे मौके पर जब आम आदमी की जेब में भी पैसा नहीं है आप पेट्रोल के दाम बढ़ा रहे हो, आप शराब के दाम बढ़ा रहे हो। शराब के दाम बढ़ाने का सबसे बड़ा असर घर परिवारों पर पड़ेगा। जो शराबी लोग हैं वो अपने परिवार के रोजी रोटी का खर्चा कम करके अपनी शराब की खरीदारी करेंगे, परिवार में झगड़े बढ़ेंगे, इससे सुसाइड बढ़ेंगे, इससे बहुत सारी दिक्कतें इससे आएंगी। सरकार ने इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने का असर हर चीज पे पड़ेगा, न सिर्फ सब्जियों पे बल्कि करियाने पे, आने जाने पे, हर जगह पे इसका असर पड़ेगा। वो एंड ऑफ द डे वो वजन किस पे पड़ेगा? आम आदमी पर पड़ेगा। तो सामाजिक सुरक्षा यहाँ भी नहीं है। इंडस्ट्री कैसे चलेगा इसको लेकर सरकार की कोई योजना नहीं है। गुड़गांव, फरीदाबाद, यमुनानगर, करनाल, सोनीपत में
5,000 से ज्यादा एप्लीकेशन अभी भी सरकार के पास पेंडिंग पड़ी है इजाजत लेने के लिए कि मुझे अपनी इंडस्ट्री चलानी है, और अभी तक सरकार ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जब मजदूर फैक्ट्री से चले जाएंगे तो फैक्ट्री चलेगी कैसे? तो आपको बजाय आपको शराब की दुकानें खोलने से पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि आप अपनी फैक्ट्रियां चलाएं ताकि मजदूरों को कुछ काम मिले और लोग एक सिस्टम में आ जाएं कि चलो भाई मुझे काम मिला, मुझे पैसा मिलेगा, तो वो बीमारी से भी लड़ते रहेंगे। इस तरह से लड़ना, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी के साथ साथ पैसे की सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। और ऐसे मौके पर जब चारों ओर एक नेगेटिविटी बनी हुई है तो आदमी अगर अपने काम में लगेगा तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा इस माहौल से जल्दी बाहर निकलेगा, लेकिन सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। सर, किसानों को लेकर सरकार की कोई योजना नहीं थी। आपने किसानों को बोनस देने की घोषणा की कि मई के बाद अगर किसान लेके आएंगे तो उनको बोनस दिया जाएगा। बोनस तो किसान को कहां से मिलेगा? क्या सरकार को नहीं पता किसान गेहूं की स्टोरेज कैसे करेगा? उसके पास कोई स्टोरेज की क्षमता नहीं है। और गेहूं की कटाई के तुरंत बाद किसान को धान की कटाई करनी होती है, धान की रोपाई करनी होती है, सॉरी। तो इस बहुत ज्यादा टाइम किसान के पास नहीं है, तो सरकार को इसके लिए कोई और दूसरा सिस्टम बनाना चाहिए। तो सरकार ने इस तरफ भी कोई ध्यान नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि सरकार जो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा थी उस पर पूरी तरह से फेल हुई है। सर, राजस्व बढ़ाने के लिए शराब के ठेके खोले जाएं, टैक्स लगाए जाएं, पेट्रोल को बेहिसाब बढ़ाया जाए, डीजल को बढ़ाया जाए या किसानों से अनुदान मांगे जाए। सबसे पहले सरकार अगर अपने खर्चे कम करे, अपने विधायक मंत्री जो जनता के पैसे पर पल रहे हैं, जिनकी कार में पेट्रोल, जिनके मोबाइल के फोन जनता के पैसे चलते हैं, सरकार अगर अपने चुने हुए प्रतिनिधियों, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, इनके खर्चों में कटौती करे, उसके बाद जनता से कोई मांग करे या जनता पर कोई बोझ डाले, तो हम सरकार को अच्छी मान सकते हैं, अच्छी पॉलिसी मान सकते हैं। सबसे पहले पहला कदम शराब पे 70% टैक्स, 10 रुपए पेट्रोल डीजल बढ़ा दिया। नहीं, सरकार की नीयत पर संदेह स्वाभाविक है। सरकार को सोचना होगा, अपने नियमों में परिवर्तन करना होगा, जनता के हित के लिए फैसले करने होंगे। विश्वव्यापी कोरोना वायरस से ग्रस्त जनता त्राही त्राही घरों में कैद है, बिलबिला रहे हैं बच्चे गर्मी में, और सरकार अपने आप को बचाकर जनता पर टैक्स का बोझ डाल रही है। मनोज टैनी जी, 2 मिनट में 2 सवाल जल्दी से। शर्मा जी, जहां तक राजस्व बढ़ाने की बात है तो सरकार अपने तरीके से प्रयत्न कर ही रही है, लेकिन अगर राजस्व बढ़ाने की बात ही है तो उस गरीब तबके से या उन समाज सेवियों से या उन किसानों से वो पैसा चंदे के रूप में, चाहे वो गेहूं के रूप में हो, आखिर उनकी तरफ सरकार का ध्यान क्यों गया? जबकि सरकार के सभी विधायक, जितने भी MLA हैं, MPs हैं, उनका अपना बजट अपने आप में पर्याप्त था कि वो कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए अपने अपने बजट से कुछ दान इस कार्य के लिए देते, और पूरे साल की जो सैलरी है, मुझे लगता है कि एक MLA या MP उसको सारी साजो सज्जा सरकार द्वारा दी जाती है, उसमें यदि वो पूरे साल की सैलरी अपनी इस में दान दे दे तो मुझे लगता है कि ये बुरा नहीं था और एक बहुत बड़ा बजट हमारे भारत के पास था। समय 40 दिन के लॉकडाउन से क्या हिंदुस्तान को इस महामारी में कुछ मिला, और 3 दिन में क्या 40 दिन बर्बाद किए? सर, मुझे लॉकडाउन को लेके मुझे जो बात महसूस हो रही है वो ये लग रहा है कि सरकार ने बिना किसी प्लानिंग के लॉकडाउन शुरू कर दिया, और अब उस लॉकडाउन को वो खत्म भी बिना किसी प्लानिंग के कर रहे हैं। जो पहले काम होने चाहिए थे वो अब किए जा रहे हैं, और जो अब काम होने चाहिए थे वो पहले किए गए। सबसे बड़ी बात यह थी कि हम लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया कि हमारे मजदूर देश के कोने कोने में फैले हुए हैं, उन्हें वापस उनके घरों तक लेके आना है। हमने यकायक रात को हम आए और हमने लॉकडाउन की घोषणा कर दी। हमने ये नहीं देखा कि हमारे मजदूर कहाँ रहेंगे, वो कहाँ क्या खाएंगे, वो कैसे ट्रैवल करेंगे, उनके परिवार कैसे रहेंगे और क्या होगा। इसका परिणाम यह हुआ कि देश में बड़े लेवल पर पलायन शुरू हो गया। बहुत सारे लोग पैदल ही अपने अपने घरों की ओर निकल पड़े, रास्ते में पुलिस ने उनके साथ बहुत सारी जाति की,
उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कुछ सामाजिक संगठन और धार्मिक संगठन आगे आए, कुछ मजदूरों को जगह मिली और कुछ को जगह नहीं मिली। सरकार ने लॉकडाउन तब किया था जब बहुत थोड़े से केस भारत में आ रहे थे सामने, अब जबकि बहुत ज्यादा केस सामने आ रहे हैं और लॉकडाउन में पूरी तरह से छूट दे दी गई। आज की स्थिति यह है सर कि पूरे जीके रोड पर देख लीजिए या जहां भी देख लीजिए, आपको लगेगा कि कहीं लॉकडाउन नामक कोई चीज है। हर जगह भारी भीड़ चुकी हुई है और वह भी तब जब कोरोना अपने पीक पे पहुंचने वाला है। हालांकि अभी पीक नहीं आया लेकिन एक लेवल उसने अचीव कर लिया, एक लेवल पे वो पहुंच चुका है और अब खतरा बहुत ज्यादा है। लेकिन अब इसकी ओर कोई सरकार का ध्यान नहीं है बिल्कुल भी, और सरकार ये चाह रही है कि लॉकडाउन से बाहर कैसे निकले, क्योंकि सरकार के अपने आर्थिक रिसोर्सेज बंद हो गए। सरकार ने तय ही नहीं किया था कि उसकी आर्थिक गतिविधियां कैसे चलेगी। तो मुझे लगता है कि लॉकडाउन को लेकर बहुत खराब एक्सपीरियंस सरकार का रहा है और आम आदमी का। लॉकडाउन को लेकर सरकार का एक्सपीरियंस ठीक नहीं रहा। 24 घंटे एक दिन का लॉकडाउन, उसके बाद फिर घोषणा जो जहां है जिस स्थिति में है वहीं पर होगा। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि महामारी से बचने के